तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका एमवी कलेक्शन में। तो जहां पर जो सेटअप दिख रहा है सारा कुछ एमवी कलेक्शन का मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, सेटअप दिख रहा है। यहां पर रखा हुआ है क्लास एच का एम्पलीफायर बोर्ड। तो भाई अभी हमने इसको कनेक्ट रखा है चारों पर, यहां पर मल्टीमीटर लगा रखा है आपको वोल्टेज दिखाने के लिए कितना वोल्टेज आउटपुट पर आ रहा है। अभी आप डीसी ऑफसेट देख रहे हैं, धीरे धीरे और कम हो जाएगा ये। तो जो डीसी ऑफसेट है आपका देख रहे हैं 0.00, कभी 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। अभी हमने इसमें वायर कनेक्ट कर रखी है, इसलिए जो है आपका जो है डीसी ऑफसेट थोड़ा सा दिखा रहा है, वरना ये बिल्कुल 0-0 हो जाता है, ठीक है। तो इनपुट कनेक्टेड होने के कारण थोड़ा सा जीरो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम ना स्पीकर आउटपुट पर वोल्टेज भी कितना आ रहा है वो भी सारा आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लगा हुआ है क्लास एच का डबल स्टेज का ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर डबल स्टेज की सप्लाई है। तो इसमें दो वोल्टेज चल रही है, हाई और लो। एक चल रही है आपकी 80-0-80, एक चल रही है आपकी 50-0-50, जो कि इसकी रिकमेंडेड वोल्टेज है, जो कि हमने बोर्ड में भी दिखाया है। तो इसी वीडियो में अभी इसको जितनी भी वायरिंग है, किस तरह से इसको वायरिंग करनी है, क्या क्या है, सारा को समझाएंगे। वीडियो बने रहना, पहले इसकी टेस्टिंग दिखाए थे। तो अभी हमने कनेक्ट करके एक बेस जिसमें लगे हुए हैं दो आपके 1250 वाट का जो है एक स्पीकर है। तो यहाँ पर जो है दो बेस लगी हुई है, यहाँ पर एक ही रही, ठीक है। अभी हम चारों पर चलाकर दिखा रहे हैं सिर्फ इसको, फिर इसके बाद दो ओम पर भी डालकर इसको दोनों पर लोड डालकर दिखाएंगे प्रॉपर, और वोल्टेज भी देखेंगे आउटपुट में कितना आ रहा है। तो अभी हम कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर लेते हैं जिसमें आपको अच्छी बेस मिल जाए, जिससे कि आपको दिखा पाएंगे भाई वोल्टेज आउटपुट कितना आ रहा है। तो अभी हम चला लेते हैं कोई भी डीजे का सॉन्ग और फिर आपको दिखाते हैं कि भाई कितना जो है आपको आउटपुट मिल रहा है। तो अब शुरू करते हैं भाई। ये हमने सॉन्ग प्ले कर लिया है, इसकी वायर मिक्सर से कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो ये वायर कनेक्टेड होने के बाद जैसे ओपन सर्किट है, इसलिए डीसी ऑफसेट थोड़ा बहुत दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्ले कर देते हैं सॉन्ग को, और सॉन्ग प्ले करने में आप देखिए बीट। पूरी नाच रही है, ज्यादा देर नहीं चला पाते कॉपीराइट के चक्कर में। तो अभी यहाँ पर आपने देखा था 75 वोल्ट तक गया था, ठीक है। तो 75 वोल्ट से भी हमने इसको 100 वोल्ट तक आउटपुट में जो है आ चुका है। अभी हम दो ऊपर भी एक बार कनेक्ट करते हैं, वीडियो बंद करके दो ऊपर कनेक्ट करके दोबारा से आपको दोनों बेज एक ही बोर्ड पर डालकर फिर वोल्टेज दिखाते हैं आउटपुट कितना ज्यादा बढ़ जाता है और कितना वोल्टेज आता है आपको और बेज में कितना ज्यादा फर्क आता है। तो भाई जो ये 4 इंची की जो इसकी वॉइस कॉइल है, ये भी स्मेल जिसे कहते हैं ना बदबू मार जाती है ज्यादा चलाते हैं। तो अभी चलाते हैं दोबारा से दो ऊपर। तो हमने अब दोनों बेस कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मल्टीमीटर जो लगा रखा है और यहाँ पर दोनों तार दोनों बेजों के लगा दिए हैं। तो अभी ये चल रहा है इस टाइम पे दो ऊपर, ये पावर ऑन है बिल्कुल भी कोई, देख रहे हैं आप डीसी ऑफसेट बिल्कुल 0.8 0.9, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि इनपुट वायर जो है सारा कुछ ओपन सर्किट रखा हुआ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों बेस कनेक्ट कर दिए, अब दोनों बेस की एक बार जंपिंग देखेंगे, पंपिंग देखेंगे भाई किस तरह से मार रही है एकदम। तो जिसे कहते हैं ना आपको एक पावर का अंदाजा लग जाएगा, उसके बाद हम सारे कनेक्शन समझाएंगे भाई, वीडियो में बने रहना बिल्कुल, ठीक है। तो दोबारा इस बार ज्यादा प्रेशर नहीं खोलेंगे क्योंकि भाई दो ऊपर जो है आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खैर बाकी देखते हैं वोल्टेज आउटपुट आपको कितने तक मिल जाता है। तो भाई ज्यादा देर नहीं चला, ज्यादा तेज जो है ना चलाने में दिक्कत हो रही क्योंकि आप देख रहे हैं बोर्ड सारा कुछ सेटअप जो है इधर उधर खिसक रहा है, तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। बाकी थोड़ा सा और चलाते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार मिक्सर से जो है आउटपुट खोलते हैं। तो अब दोनों बेस चल रही है, इसलिए सारा जो जितना भी सामान इसमें रखा हुआ है सारा कुछ इधर उधर भाग रहा है। थोड़ी सी वॉल्यूम अप करके दिखा रहे हैं, अभी देखेंगे आप 65 वोल्टेज तक भी अप गई थी। तो जो है अगर आपको टेस्टिंग देखनी है प्रॉपर, तो इसकी ऑसिलोस्कोप में और लोड रेजिस्टेंस पर टेस्टिंग करके आपको जो वोल्टेज आउटपुट है प्रॉपर दिखाया जाएगा। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो आपको जो है वोल्टेज आउटपुट ऑसिलोस्कोप पर की फ्रिक्वेंसीज कैसी आ रही हैं और क्या कहते हैं आपका जो लोड रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज ये फेंक पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम फुल वॉल्यूम नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि जो बेस है वो सारा कुछ सेटअप जो है हिल रहा है पूरा कुछ जो भी इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके कनेक्शन की, कनेक्शन देख लेते हैं बाकी जिस जिसको चाहिए कि भाई लोड रेजिस्टेंस पर और आपका ऑसिलोस्कोप पर टेस्टिंग दिखाई जाए, तो वो नीचे कमेंट जरूर कर देना। अगर 100 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम जो है आपको इसकी ऑसिलोस्कोप के ऊपर टेस्टिंग दिखाएंगे लोड रेजिस्टेंस के ऊपर कि कितना वोल्टेज तक आउटपुट जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये सप्लाई रखी हुई है क्लास एच की एमवी कलेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको मैं कनेक्शन बता देता हूँ, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, अभी जो क्लास एच का ट्रांसफार्मर है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 5 तारें निकलती हैं जिसमें है 80-0-80, 50-0-50-80, कहना मतलब एक हो गई 50-0-50, एक हो गई 80-0-80। तो भाई इसमें डबल सप्लाई लगती है इस क्लास एच के बोर्ड में। तो इसके साथ आपको कनेक्टर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको बता देते हैं एक बार कि ग्राउंड के लिए यहाँ पर आपको देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से आप एक भी किसी में भी पॉइंट में आप ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब जो बीच वाली जो वायर है ये आती है ग्राउंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद बचते हैं 2 AC,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस साइड वाला जो सॉफ्टवेयर सेटर इस साइड वाला है ये है हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो हाई वोल्टेज के यहाँ पर देखेंगे 80-80, ठीक है। यहाँ पर जो 80-80 है ना, दोनों ये दोनों 80 जो है यहाँ पर आपके इस जगह पर कनेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, इस जगह पर कनेक्ट होंगे, यहाँ पर ये 80-80 आपके होंगे इस जगह पर कनेक्ट। और इसी तरह जो 50-50 है, जो लो वोल्टेज है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ACL, तो वो जो लो वोल्टेज है वो कनेक्ट होगा इस साइड। तो दोनों AC-AC जो है आपके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हाई वोल्टेज वाली मतलब 80-0-80 और यहाँ पर आएगा आपका 50-0-50, ठीक है। 50-50 यहाँ पर आ गया, 80-80 यहाँ पर आ गया और ग्राउंड यहाँ पर आ गया। कहने मतलब ये हो गया आपका 80-0-80 और ऐसे ही 50-0-50, ठीक है। इस तरह से आपका जो है वाइंडिंग कनेक्ट हो जाएगी ट्रांसफार्मर की। और यहाँ पर है ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है, ये सॉफ्ट स्टार्टर का तो आप जानते ही हैं, इन और आउट यहाँ पर साफ साफ जो है लिखा हुआ है। फिर आते हैं यहाँ पर आउटपुट की तरफ। आउटपुट की तरफ देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर आपको थिंबल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये है हाई वोल्टेज का माइनस, ये लो वोल्टेज का माइनस, इसी तरह यहाँ पर हाई वोल्टेज का प्लस और यहाँ पर लो वोल्टेज का माइनस। तो इसी तरह ये यहाँ पर जो है बोर्ड में भी सब कुछ लिखा हुआ है, हाई वोल्टेज माइनस, लो वोल्टेज माइनस, हाई वोल्टेज प्लस, लो वोल्टेज प्लस, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो जो जो जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड है, जो बीच वाले यहाँ पर आपको चार थिंबल दिख रहे हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये जो ग्राउंड है वो जाकर कनेक्ट होता है इस वाले थिंबल पर, यहाँ पर जो लगा हुआ है बोर्ड के अंदर, ये ग्राउंड है। ग्राउंड आपका यहाँ नहीं आएगा बीच में। यहाँ पर जो आउट लिखा हुआ है, ये इसको पास से दिखाएंगे एक बार, ये यहाँ पर जो आउट लिखा हुआ है वहाँ पर, ये आपका स्पीकर का आउटपुट यहाँ पर निकलता है, जो सेंटर वाली पिन है यहाँ से आपका स्पीकर आउटपुट निकलना है और बाकी दोनों साइड सप्लाई है, हाई वोल्टेज माइनस, लो वोल्टेज माइनस, हाई वोल्टेज प्लस, लो वोल्टेज माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है ग्राउंड के लिए थिंबल यहाँ पर है, ठीक है। तो स्पीकर का जो आउटपुट निकलेगा वो एक निकलेगा आपका ग्राउंड यहाँ से उठाना है और एक आपका लो वोल्टेज निकालना है। ये सिंपल से इसके कनेक्शन से। और ऐसे ही यहाँ पर जो है ऑडियो आपको इनपुट देना है। यहाँ पर बैलेंस इनपुट आपको लगा हुआ है, 3 पिन लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने अभी शोल्डर का रखा था इसको दिखाने के लिए आपको, ये वाली, क्योंकि केबल जो है इसके आगे कनेक्टर नहीं आता है, तो हमने शोल्डर करके जो है आपको बेस प्ले करके दिखाई है। तो इतने सिंपल से कनेक्शन है। बाकी अगर किसी को समझ में नहीं आता है, ये जो कनेक्टर वनेक्टर है ये आपको सारा कुछ साथ में मिलेगा। तो ये जो कनेक्टर होता है ये कभी भी उल्टा कनेक्ट नहीं होगा, इसमें बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्ट होगा। जैसे अब ये देखिए बिल्कुल सीधा था, इसलिए यहाँ पर ये जो है पूरा सीधे से कनेक्ट हो गया, आपके पास सारी वायर्स यहाँ पर निकल जाती हैं। इसी तरह से अगर हम इसको कोशिश करेंगे, देख रहे हैं कितना, जैसे कहते हैं ना बहुत हैवी कनेक्टर होता है, अगर हम इसको उल्टा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक बार आपको जो वायरिंग है ये प्रॉपर यहाँ पर कर देनी है सप्लाई में, तो आपको थिंबल के थ्रू करनी है, यहाँ पर थिंबल लगाने हैं। तो हमने वीडियो के लिए जो है शोल्डर मार देता है, यहाँ पर आपको जो है थिंबल लगाकर जो है यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद आप जब यहाँ पर इसको कनेक्टर को लगाएंगे तो बिल्कुल ये सीधा ही कनेक्ट होगा, उल्टे होने के कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ग्राउंड होना है और ये आपका जैसे सेंटर में मैंने आपको बताया था, ये आउट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्पीकर आउटपुट है। यहाँ पर आपका ये देखिए हाई वोल्टेज हो गया, आपको कलर कोडिंग के हिसाब से प्रॉपर मिलेगा। ये होता है हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज प्लस और लो वोल्टेज प्लस, हाई वोल्टेज प्लस, लो वोल्टेज प्लस, इसी तरह से लो वोल्टेज माइनस अंदर की तरफ जो है और बाहर की तरफ जो है हाई वोल्टेज माइनस। तो इतना सिंपल से कनेक्शन होते हैं। तो भाई पहली बार अब जो है इंडिया में काफ़ी सारे क्या कर रहे थे, जितने भी एम्पलीफायर बनाकर सेल करते थे वो एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ क्लास ए भी बना पाते थे, क्योंकि क्लास एच के एम्पलीफायर हर कोई नहीं बना पाता था। तो आज अब इस वीडियो को जिसने पूरा देखा होगा, अगर उसको कुछ कमी रह गई है समझने में, तो वो आकर फैक्ट्री में भी आकर समझ सकता है। जो भी सामान लेने आएगा उसको सारे कनेक्शन समझाकर जो है बताए जाएंगे और चलाकर भी दिखाया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप आकर समझ सकते हैं तो आप क्लास एच के एम्पलीफायर भी बनाकर सेल कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होंगी ऑफलाइन, आपको ऑफलाइन ही आपको व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे रिप्लाई आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है उसकी, क्योंकि जो डिमांड है वो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रखा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए हम रिप्लाई करना ज़रा और कॉल उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बाकी कोशिश करेंगे कि सबसे बात हो पाए। और ये सारा सामान अगर आपको लेना है तो आपको व्हाट्सएप में कैटलॉग में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई क्लास एच जो है, क्लास एच भी आ चुका है, अब जो है एमवी कलेक्शन ने सबसे पहले रिलीज भी कर दिया है।